बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल में खुश आमदेद कहती हूँ। आप सब लोगों को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मौके की मुनासबत से मैं आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर आप लोगों के लिए शाही जर्दे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं तकरीबन 750 ग्राम्स हमने जो है वो सेले चावल लिए थे, जिसको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और इसके लिए हमें घी चाहिए, येलो फूड कलर चाहिए, शुगर जो है 500-600 के बीच ग्राम्स के बीच में आप रखिएगा, बाकी आप अपनी मुनासबत के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये खोया है, ये इसमें जो है वो टूटी फ्रूटीज जो होती हैं अशरफियाँ हैं, ये हैं खोपरा है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है जिसमें लौंग है, दालचीनी है और इलायची है। और कुछ मेवे हैं जिसमें बादाम है, इसको हम उबाल के रख लेंगे। किशमिश हैं, काजू हैं और जो है ये गुलाब जामुन और चमचम छोटे हैं, ये भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और खोया है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है जर्दे के चावल उबालेंगे। तकरीबन हमने 3/4 टीस्पून येलो कलर डाला और जो है हमने पतीला थोड़ा बड़ा लिया है ताकि जो है वो चावल हमारे अच्छी तरह से बन जाएं। छोटे पतीले में लिए जाते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं। देखिए ये हमारा जर्दा 100% डन हो गया है। इसको स्ट्रेन करते हैं और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। Okay, अब ये देखें हमने यहाँ पर जो है वो 1/4 कप के करीब घी ले लिया है और इसको जो है ज़रा सा हम बीट करके इसमें सिर्फ मैं 2-3 इलायचियाँ डालूँगी थोड़ी सी खोल के, और हमारे चावल जो है यहाँ पे रेडी हैं। कोई हमें शीरा वीरा बनाने का चक्कर नहीं करना है, हम इसमें जो है बड़े इजी मेथड से जो है इसको बनाएंगे। ये रेसिपी मैंने अपनी मरहूम मामानी से सीखी थी और जो है वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जो है जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब ये देखें हमारे राइस बॉयल हो गए हैं तो ये हम इसमें डाल देते हैं। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आई होप कि ये इजी तरीका आप लोगों को कन्वीनियंट रहेगा। मैं इसमें शुगर जो है वो 500 डाल रही हूँ। हमारे घर में थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं, अगर आपको इक्वल लेवल की करनी है तो आप 650 भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी रेजन्स डाल दूँगी। इसको हम कवर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसका वो शुगर का रिलीज़ होगा, लेकिन इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें अब हमने यहाँ पर जो है शुगर के पानी जो है इसको सारा जो है वो रिलीज़ हो गया और इसमें अच्छी तरह से पक गया है। अब चावल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें चावल बिल्कुल गल गए हैं और इसमें जो है बिल्कुल भी अकड़ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट से अच्छे से ये चावल बने हैं, ना ये नरम हुए हैं और ना ये जो है ये ज़्यादा कड़क हुए हैं, ये बिल्कुल सही जैसे हमें चाहिए वैसे ही थे। अब हम इसमें जो है इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे। ये देखिए हमारे पास 250 ग्राम्स खोया है जो हम इसमें अंदर डाल रहे हैं, फिर अगर हमें गार्निशिंग के लिए ऊपर चाहिएगा तो हम इसको ऊपर भी डालेंगे। इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे हम। ये थोड़े से नारियल हैं, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं, आप इसमें फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। ये हम थोड़ी सी अशरफियाँ इसके अंदर भी डाल रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर भी डालेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा ये हो रहा है। अब इसमें जो है इसको दम पे रखते हैं 5 मिनट और फिर इसको जो है ऊपर और मज़ीद गार्निश करते हैं। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया, और आप लोगों की हौसला अफजाई से ही मैं आगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ ही इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। Thank you.